भारत, यूरोपियन यूनियन, अमेरिका और सऊदी अरेबिया, ये चार देश मिलकर एक मेगा प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और इसका नाम है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी IMEC। इस प्रोजेक्ट का मकसद भारत, मिडिल ईस्ट और यूरोप को रेलवे और पोर्ट नेटवर्क से जोड़ना है। इस कॉरिडोर के बनने के बाद रेलवे और जहाज से ही भारत से यूरोप तक पहुंचा जा सकेगा। इस कॉरिडोर को चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जवाब भी माना जा रहा है। अनुमान है कि इस प्रोजेक्ट पर $20 अरब खर्च हो सकते हैं। इस कॉरिडोर के दो हिस्से होंगे, पहला ईस्टर्न कॉरिडोर जो भारत को खाड़ी देशों से जोड़ेगा, दूसरा नॉर्दर्न कॉरिडोर जो खाड़ी देशों को यूरोप से जोड़ेगा। इस कॉरिडोर में रेलवे लाइन के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी केबल, हाइड्रोजन पाइपलाइन और एक हाई स्पीड डेटा केबल भी होगी। भारत के मुंबई से लेकर संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE तक समुद्री रास्ता होगा। उसके बाद पूरे मिडिल ईस्ट के देशों में रेलवे नेटवर्क तैयार होगा। ये रेलवे नेटवर्क UAE से लेकर सऊदी अरेबिया, जॉर्डन और इसराइल तक होगा। इसके बाद फिर समुद्री रास्ता होगा। इसके दो रास्ते होंगे, पहला मार्ग इसराइल के बंदरगाह से इटली तक जाएगा, दूसरा रास्ता इसराइल से फ्रांस तक जाएगा। बताया जा रहा है कि पूरा कॉरिडोर 6000 किलोमीटर लंबा होगा। इसमें 3500 किलोमीटर का समुद्री रास्ता होगा। ये समझौता दुनिया को एक नया ट्रेड रूट देगा। इससे हमारी स्विस कैनाल रूट पर निर्भरता कम हो जाएगी। ऐसे में अगर कभी उस रूट पर कोई समस्या खड़ी होती है तो उससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर संकट के बादल नहीं मंडराएंगे। इस डील की घोषणा होने के बाद भारत के व्यापार में बड़ा उछाल आने की संभावना जताई जा रही है। ये समझौता एक ऐसे वक्त में हुआ है जब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन वैश्विक स्तर पर मूलभूत ढांचे को लेकर चाइना की बेल्ट एंड रोड परियोजना की काट करना चाहते हैं। चाइना ने अपने BRI प्रोजेक्ट के जरिए यूरोप से लेकर अफ्रीका और एशिया से लेकर लैटिन अमेरिका तक अपने प्रभाव, निवेश और व्यापार को पहुँचाए हैं। ये भारत के लिए गेम चेंजर साबित होगी क्योंकि ये भारत को मध्य पूर्व से जोड़ेगी और साथ ही साथ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को चुनौती देगी।